अनिल भाई, इंडियन मूवी किस्मत कनेक्शन में आपने गाना गाया मूव योर बॉडी। अच्छा, उससे पहले आप पाकिस्तान में एक्टिंग का डेब्यू कर चुके थे? नहीं, मैंने एक्चुअली इंडिया मेरा जाना इस तरह हुआ कि मैंने एक कमर्शियल साइन किया था पाकिस्तान के लिए, जो उस इंडिया जाके शूट हुआ, पनवेल में हम लोगों ने शूट किया। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद माय सिंगिंग। ओके, एक्टिंग में मैं 2013-14 में। अच्छा, किस्मत कनेक्शन कैसे मिला ये गाना? और सो जब मैं कमर्शियल करने गया इंडिया, तो वहाँ पे जिन डायरेक्टर ने शूट किया था वो प्रहलाद कक्कड़ थे। ठीक है। और मुझे बहुत शौक था फिल्म्स में काम करने का और म्यूज़िक की तरफ, तो उन्होंने मुझे दे इंट्रोड्यूस मी विद दिस रिकॉर्ड लेबल टिप्स। तो टिप्स के साथ मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने साइन किया, और ये मूवी जो थी ये किस्मत कनेक्शन, ये भी टिप्स की थी। टिप्स की प्रोडक्शन। हाँ, ठीक है। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? पहला गाना डेब्यू किया वहाँ पर गाने से? बहुत अच्छा, पहला गाना मेरा कोई चेहरा था, काफ़ी हिट हुआ। हाँ, मूवी बॉडी। हाँ, फिर उसके बाद मूवी बॉडी नाउ किया, फिर एक मनोज बाजपेयी की फिल्म है उनके लिए मैंने गाना किया, जुगाड़ नाम था उस फिल्म का। हम लोगों ने डेली में वो शूट भी की, किसे आवाज़ दूँ वो किया, फिर एल्बम्स दो रिलीज़ की, एंड देन जो हम बात कर रहे थे वही कि बिकॉज आई एम अ जेमिनी, तो वो एक काम करने के बाद देन यू वांट टू मूव ऑन टू समथिंग न्यू, तो ये बड़ा मसला आप है मेरे करते रहे। अच्छा, तो यही इस तरह हुआ कि आप एक डायरेक्टर के पास गए और एक्टिंग के लिए गए गालबन, या गाने के लिए? नहीं, हाँ, सिंगिंग के लिए गए। मैं बेसिकली, मेरा एक गाना था जो कि उस फिल्म के लिए डायरेक्टर को बहुत पसंद आया, सो उन्होंने वो गाना लिया, बट देन मैं तब पाकिस्तान में था, उन्होंने मेरे साथ वीडियो कॉल वगैरह की, एंड देन ही साइन मी अप फॉर हिज फिल्म एज अ मेन लीड। सो रिदम नाम था उस मूवी का, एंड माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुई। ठीक कह रहे। और क्यों नहीं चल पाए दिल भाई? चल इस वजह से नहीं पाए, बिकॉज मैं समझता हूँ कि स्क्रिप्ट बहुत वीक था, हालांकि प्रोड्यूसर काफ़ी बड़े थे, और लेकिन स्क्रिप्ट में काफ़ी था, मेरी भी पहली फिल्म थी, और तब स्क्रिप्ट का तो बिल्कुल कुछ ज़्यादा है। दोबारा मिलेगी और करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, मायूस नहीं हुए? नहीं नहीं, ठीक है। अदिल भाई, करेंगे ये कि आपके साथ एक गेम खेलेंगे, गेम का नाम है 2.5 सेकंड का मामला। ढाई सेकंड का मामला, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, हम सबके दिल के करीब का गेम है ये। करना ये होगा कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सवाल जनरल नॉलेज के होंगे। हाँ। मुख्तलिफ नौयत के होंगे, रैंडम होंगे, आप हमें फर्क नहीं पड़ता आप सही जवाब दें या गलत जवाब दें। ओके, एक बार जवाब देना, जवाब देना 2.5 सेकंड में। ओके, ठीक है। अगर आपने गलत जवाब दिया या बोला कि सबसे बड़ा चोर कौन है, मैं, इस तरह के जवाब दिए आपने, तो बजेगा बजर, बजाओ बेटा। ठीक है, अगर आप 2.5 सेकंड से ऊपर चले गए तो बजर बजेगा, अगर मेरा दिल चाह तो बजर बजेगा। ठीक है, और तीनों बजर में एक्सप्रेशन एक ही है। एक्सप्रेशन एक ही। पहला सवाल, बुरे वक्त में कौन याद आता है? अम्मी। अम्मी। गाने के क्रेडिट्स किसने नहीं दिए? करण जौहर गुस्से में क्या बोलते हैं? आई लव यू। आई लव यू। मार्स का प्रेसिडेंट कौन है? प्यूटिन। प्यूटिन है। लड़कियों का दिल किसने कैसे जीता जाता है? मुझसे पूछें। इनसे पूछो बेटा। हकीम अदील चौधरी। मुन्ने ने चुन्ने को क्या कहा? कि कब मिलोगे। मुन्ने ने चुन्ने को कहा कि कब मिलोगे। हाँ। ताबिश का निकनेम क्या है? टेढ़ा। टेढ़ा। नहाए बगैर कौन आ गया था? दिमाग में कुछ था। यही आया था। यही आया। पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो कनाडा में नहीं? गंध। गंध। किसको किसको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए? आवाज निकालते ताली होनी चाहिए। बहुत बुरा खेल आदिल, वेरी गुड, बहुत अच्छा।